नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी। वी आर गोइंग टू रिवाइज नाउंस टुडे एंड इन हिंदी, राइट। बट बिफोर वी बिगिन, आई वांट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन नॉट टू मिस द कमिंग वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। तो पेरेंट्स, जैसा कि आप में से किसी एक का सुजेशन था या कंप्लेन थी, जो भी हो, मैंने मातृभाषा में आज इस वीडियो को बना दिया है और आई होप आज आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से सुनेगा भी इसको और सीखेगा भी। लेकिन पेरेंट्स, मैं बाकी पेरेंट्स को भी एक बाकी पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेट मेथड से मतलब सीखना जो है वो गलत है और उसमें लर्निंग जो है कम होती है। कितनी कम होती है डिपेंड करता है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, ठीक है। तो ये नुकसानदायक है, आने वाले टाइम में ये नुकसान देगा। लेकिन चलो, मैं तो बता देता हूँ आपको, आपका बच्चा मातृभाषा में अगर पसंद करता है पढ़ना, तो मैं तो टीचर हूँ, मैं तो उसको मातृभाषा में भी पढ़ा दूंगा। संस्कृत में बोलेंगे तो संस्कृत में भी पढ़ा सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, संस्कृत मुझे नहीं आती है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। देखिए, लैंग्वेज सीखने का एक तरीका होता है कि उस लैंग्वेज को सुनो, उसके बाद उसको बोलने की कोशिश करो, लैंग्वेज आ जाती है। जैसे कि आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसको आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करके तो पढ़ाते नहीं है। बच्चा क्या करता है, खुद आपको बोलते हुए सुनता है, आपस में बात करते हुए सुनता है और उसके बाद आपको इमिटेट करना शुरू कर देता है, वो बोलना शुरू कर देता है वापस में उन वर्डों को जिनको सुनता है। पहले स्टार्टिंग में गलत बोलता है, आप हंसते हैं कि देखो क्या बोला इसने, और उसके बाद वो धीरे 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 करके वो साफ़ हो जाती है, उसकी जो वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन है, वो साफ़ हो जाती है, वो फ्लुएंट हो जाता है। लैंग्वेज का ऐसा ही है। लेकिन आपकी बच्चे ने अगर आपको बोला कि मम्मा मुझे नहीं सुनना है, सर तो इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आपने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, तो मतलब आपने उसको उस तरफ मोटिवेट कर दिया कि चीज़ें जो हैं वो हिंदी में समझ आती हैं, इंग्लिश में नहीं आती हैं। अब उसका मेंटल लेवल जो है, उसका मतलब माइंड सेट जो है, वो वैसा हो गया कि हिंदी में ही उसको सीखना है, तो आपने उसको वैसा बना दिया अब, और आगे प्रॉब्लम होगी। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउंस, नाउंस का मतलब होता है नाम। नाम किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, मतलब किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, थिंग का, जो नाम होगा उसको हम नाम बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, पहले पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में ये क्या है, एक पर्सन है, इनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। और इस तरह के मतलब ये पर्सन जो है वो भी एक नाम ही है, इस तरह की थिंग्स का या जो एनिमल्स हैं ये नाम है, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये भी एक ये एनिमल है, लाइन बोलते हैं इसको, और ये क्या है, एक थिंग है, पेन बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में डाले हैं मैंने, ये देखो दिल्ली है एग्जाम्पल में, तो दिल्ली क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम, एक्सरसाइज में क्या है। पहले तो आपने देखो, श्रद्धा, श्रद्धा क्या एक नाम है, सबसे पहले आपने क्या चीज़ सोचनी है कि क्या ये नाम है। हाँ, ये नाम है किसका, एक लड़की का, ठीक है, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद ग्रो, क्या ये नाम है, किसी लड़के का नाम सुना आपने, लड़की का सुना, प्लेस का सुना, थिंग का सुना, नहीं, ये क्या है, ये एक्चुअल में एक वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, कांगू नाउन है, हाँ है, कैसे, क्योंकि प्लेस का नाम है जहाँ पे आपका स्कूल है। अब देखिए आगे, सिंपल, क्या ये नाउन है, नहीं, मैंने तो ना तो प्लेस का नाम सुना, ना पर्सन का, ना थिंग का, तो ये बिल्कुल ठीक, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। बुक, हाँ ये थिंग का नाम है, तो ये मतलब नाउन हो गया। तो सबसे पहले आपने नाउन में जो देखना है आपको, नाउन का अगर आपको बोला है फाइंड नाउन, नाउन है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि नाम है, ये नाम है, अगर नाम है तो फिर नाउन है, अगर नाम नहीं है तो मतलब नाउन नहीं है, ठीक है। आई होप नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन है हमारे पास 5। मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है नाउन्स की, ठीक है, जिसमें से एक ये है और दूसरी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला है प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। चलिए 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं, समझते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर देखो, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी पर्सन को बोलेगा कि ये मतलब जो नाम है ये किसी पर्सन का
या प्लेस का या थिंग का प्रॉपर नाम है ये, ठीक है। मतलब एक के लिए सिर्फ एक ही नाम होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ये क्या है, एक प्लेयर है, ठीक है। लेकिन प्लेयर तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन ये कौन सा प्लेयर है, ये है विराट कोहली। तो ये क्या हो गया, स्पेशल हो गया। अब देखो ये क्या है, कार है, और कारें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन ये कौन सी है, ये BMW है। तो BMW क्या हो गया, ये स्पेशल हो गया, तो इसने इसको स्पेशल बना दिया। तो ये प्रॉपर, मतलब प्रॉपर डिनोट कर रहा है ना इसको, तो ये प्रॉपर हो गया। अब देखो ये क्या है, एक प्लेस है, और प्लेस का नाम, प्लेसें तो बहुत सी हैं, हमारे कांगू में भी तो टेम्पल है, लेकिन ये कौन सा है, ये लोटस टेम्पल है। तो लोटस टेम्पल ने क्या किया, इसको स्पेशल बना दिया, इस नाम ने इसको स्पेशल बना दिया, तो ये प्रॉपर नेमिंग वर्ड हो गया। तो ठीक है, डेफिनेशन तो हम वैसे भी पिछली वीडियो में डिस्कस करते हैं, जस्ट रिवीजन है। एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखते हैं वाई क्या नाउन है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि यह नाम है ये, हाँ है नाम, किसका, पर्सन का, मतलब पर्सन का, एक तरह के दिखने वाले पर्सन जो हैं उनको कॉमन बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं हम बॉय, लेकिन ये स्पेशल नहीं है। क्यों नहीं है, आप भी, आप अगर एक बॉय हैं या गर्ल हैं, आपका एक अपना नाम है ना, लेकिन आपको उस नाम से नहीं बुलाया गया, आपको बॉय या गर्ल करके बुलाया गया, तो ये मतलब प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। बुक, बहुत सी बुक्स होती हैं, लेकिन किसी बुक का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो बुक क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है, नहीं ये नहीं है। शॉपकीपर क्या एक ही होता है, सबसे पहले एक प्रॉपर नाउन में एक चीज़ ध्यान रखनी, क्या एक ही है, हाँ एक ही है, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ ये याद रखनी है आपने, प्रॉपर में सिर्फ एक होता है, समझ आई, आई होप आ गई होगी, मातृभाषा तो सभी को आ जाती है। तो आगे है हमारे पास दिल्ली। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक प्लेस है, प्लेस है, और प्लेस का नाम है ये दिल्ली, तो ये इसने स्पेशल बनाया इसको, तो मतलब ये स्पेशल नाउन है, प्रिंसिपल है क्या, नहीं गलत सोच रहे हैं, बहुत से स्कूल तो हैं उनमें प्रिंसिपल भी बहुत से हैं, ठीक है, मतलब बहुत से नहीं है, उन सब में एक एक प्रिंसिपल है, लेकिन आपके स्कूल में ओनली वन प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, स्पेशल नेमिंग वर्ड हो गया। यही वजह है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें हम बार बार आपके जो पी है उसको हम कैपिटल करते रहते हैं, ठीक है, बार बार कैपिटल करते हैं, आप बार बार स्मॉल करके लिख के लेके आते हैं। प्रॉपर नेमिंग वर्ड देखो यहाँ पे लिखा है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए कॉमन, देखो पिछली स्लाइड में ही मैंने बता दिया आपको वैसे कॉमन के बारे में। कॉमन क्या है, जो एक तरह की चीज़ें होंगी, एक तरह की जो दिखने वाली चीज़ें होंगी, या पर्सन होंगे या प्लेसेस होंगी, उनको हम कॉमनली एक ही नाम देते हैं। जब हम कॉमनली एक नाम देते हैं बहुत से लोगों को, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब एक जैसा काम करने वालों को या एक जैसे दिखने वालों को, जब हम कॉमनली किसी नाम से बुलाते हैं तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, इस तरह के जो दिखते हैं उनको हम बॉय बोलते हैं, इस तरह की जो दिखती हैं उनको हम गर्ल बोलते हैं, ये जो है आदमी जो इस तरह का काम करता है उसको हम टेलर बोलते हैं, इस तरह का काम करने वाले को हम टीचर बोलते हैं, राइट। तो आई होप इस ये क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ प्लेसेस की बात कर लेते हैं, जैसे इस तरह क्या होती हैं, इस तरह की शेप वाले क्या होते हैं, ये टेम्पल होते हैं ना, शायद ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेम्पल होते हैं ना, तो टेम्पल क्या है, एक प्लेस, तो हम कॉमनली क्या नाम दे दिया इसको, टेम्पल सबको। तो इसी तरह प्लेसेस के बारे में भी ये है। चलिए एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए कॉमन नाउन आपको फाइंड करना है, सचिन कॉमन नाउन है, नहीं क्यों, क्योंकि ये तो स्पेशल है, मतलब किसी एक पर्सन का है, एक का है ना, तो ये कॉमन नहीं हुआ, तो गलत है। स्टार कॉमन है, हाँ है। पेन कॉमन है, हाँ है। टेबल हाँ है। डॉक्टर हाँ है। मुंबई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एक ही प्लेस है ना। चलिए चलते हैं आगे, तो यहाँ पर है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन जब किसी चीज़ की होगी और उसको पूरी, उस कलेक्शन को जब हम नाम देंगे तो उसको कलेक्टिव नाउन होगा वो, ठीक है। ये एक ग्रुप नेम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप है उसका नाम, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं हम पिक्चर में यहाँ पे ये क्या है, वॉल्व्स हैं, और वॉल्व्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं उसको, ठीक है। इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया पैक। वैसे तो क्या हो गया, वॉल्व था ना, अकेला क्या था, वॉल्व था, लेकिन इसको क्या बोला, पैक बोला। वैसे ये क्या है, एक जो है की है, और की का क्या है, कलेक्टिवली इनको जब नाम देंगे हम तो इसके क्या बोलेंगे, वंच बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये फिशेज हैं, और फिशेज का क्या होता है, फिशेज का जो ग्रुप होता है उसको शोल बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज स्कूल, स्कूल देखो, एक स्कूल जो होता है वेल्स का होता है, ठीक है, एक स्कूल आपका भी है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप हैं, है ना, ग्रुप। वेल्स का जो ग्रुप होगा उसको स्कूल बोलेंगे, वैसे ही क्लासेस का ग्रुप भी बोल सकते हैं हम इसको, स्कूल, ठीक है। और एक प्लेस होती है जहाँ पे, वैसे ये इसके लिए वेल के लिए है, ठीक है। एक्टर, अब एक्टर की बात करें हम तो कौन सा नाम है, कलेक्टिव है, नहीं, एक्टर तो अकेला भी होता है ना, सलमान खान। अच्छा ये बुके, बुके की बात करें हम तो क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं बहुत से, ठीक है, तो उसका ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। टाइगर, टाइगर तो अकेला होता है। हर्ड, हाँ हर्ड जो है वो क्या होता है, एलिफेंट्स का जैसे ग्रुप है तो उसको हम हर्ड बोल देंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी। और ये क्या है, मॉब, मॉब जो है, मॉब क्या होता है, एक, हाँ मॉब के बारे में लास्ट टाइम किसी गर्ल की कॉल आई थी कि सर मॉब क्या होता है, मॉब होती है एक एंग्री क्राउड जो होती है, ठीक है, मतलब एक भीड़ होती है जो गुस्से में होती है, तो उसको हम मॉब बोलते हैं, तो मतलब ग्रुप हो गया वो लोगों का, ऐसे लोग जो गुस्से में हैं। चलिए आगे, हाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जैसे आपको किसी वर्ड का मीनिंग अगर यहाँ पे पता नहीं चलता है और मैं कहीं उसको नहीं बताता हूँ तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, ठीक है। आजकल वैसे भी आप फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल नाउन, तो देखो मटेरियल से ही पता चल रहा है कि ये किसी मटेरियल का नाम होगा, जैसे ये क्या है, मटेरियल है ना, मिल्क मटेरियल हुआ, क्या बनता है, खोया बनता है, बर्फ़ी बनती है, खीर बनती है, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ को बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे ये गोल्ड, मम्मी ने क्या पहना होगा, कंगन पहने होंगे, पापा ने अंगूठी पहनी होगी, चेन पहनी होगी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किससे बनती हैं, गोल्ड से, ठीक है। तो गोल्ड क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। अच्छा ये आपका घर जो बना है उसमें सीमेंट लगा है, तो सीमेंट क्या है, एक मटेरियल है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन जो है आयरन, आयरन क्या है, मटेरियल है, हाँ है। ग्रुप, अरे ग्रुप कहाँ पर, ग्रुप तो कलेक्टिव था ना। सैंड मटेरियल है, हाँ है बिल्कुल। सॉल्ट मटेरियल है, हाँ है, सब्जी में पड़ता है ना, सब्जी बनाने में यूज होता है मटेरियल। क्रू, क्रू है, नहीं क्यों नहीं है, क्रू तो कलेक्टिव नाम है, हाँ इसके बारे में भी कॉल आई थी कि सर क्रू क्या होता है। क्रू जैसे, क्रू जो है जैसे आपके सिंगर्स हैं, सिंगर जो हैं एक ग्रुप में काम करते हैं वो, ठीक है। एक वायलिन वाला होगा, गिटार वाला, और व्हाटएवर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके उनके साथ, तो उन सारा ग्रुप जो होगा उसको क्रू बोलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है, ऐसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फीलिंग, फीलिंग होती है, उसको आप देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, नहीं और क्या कर सकते हैं, उसको उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये पिक्चर है, क्या लग रहा है आपको, क्या समझ सकते हैं आप इससे, लव, ठीक है, अफेक्शन, अफेक्शन नहीं, अफेक्शन तो नहीं, लव भी आ रहा है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे देखो इस पिक्चर को देख के हम क्या फील कर सकते हैं, सिंपथी, ठीक है, काइंडनेस, हाँ ये चीज़ें हम फील कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से इस पिक्चर से क्या फील कर सकते हैं आप, एंगर, और क्या फील कर सकते हैं, हेट भी शायद, है ना। तो जो फीलिंग को नाम दिया है, जो मतलब फीलिंग का नाम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, लॉनलीनेस, लॉनलीनेस क्या होता है, अकेलापन। आजकल लॉकडाउन है ना, तो लॉनलीनेस तो फील कर ही रहे होंगे, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल ये फीलिंग है। कई बार क्या होता है, भीड़ में होके भी अकेले होते हैं, गाना है ना वो, तो
वो एक फीलिंग होती है। चलिए आगे, लीफ। लीफ क्या है, टच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। सेल्फिशनेस, टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये नाउन है। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो ये है। क्रो, क्रो को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सुबह एक कौं कौं कर रहा है, भी व्यवहार कर रहा है। चलिए दूसरी क्लासिफिकेशन की, जैसे मैंने बात की थी आपको कि दो क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना सा है कि ऐसी चीज़ें दो तरह की हैं। ये इस क्लासिफिकेशन में दो तरह के नाउन होते हैं, एक है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल में कौन से होंगे जिनको आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे करके जिनको आप गिन पाएंगे वो काउंटेबल नाउन होंगे, और जिनको आप नहीं गिन पाएंगे, मतलब जिनको आप क्या करना, मेजर कर सकते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनको देखिए, आप इसमें एग्जांपल की बात करें, जैसे बॉय है, गिन सकते हैं? हाँ, 1, 2, 3, 4 बॉयज़, गर्ल्स 1, 2, 3, 4 गर्ल्स, पेंसिल्स 1, 2, 3 पेंसिल्स, टीचर्स 1, 2, 3, 4 कार्स 1, 2, 3, 4 यस, तो ये काउंटेबल हैं सारे। यहाँ की बात करें, शुगर को क्या करेंगे, दाने गिनेंगे उनके? नहीं। सॉल्ट? नहीं। स्टार्स, स्टार्स को हाँ गिन सकते हैं ना? नहीं बेटा, नहीं गिन सकते हैं स्टार्स को, हम ऐसे तो काउंट कर सकते हैं लेकिन टोटल कितने स्टार हैं पता है? नहीं है। सैंड गिन सकते हैं? नहीं। स्मोक? नहीं। तो ये सारे अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में आपने यहाँ से आप देख सकते हैं, कार को गिन सकते हैं? यस, 1, 2, 3 तो काउंटेबल है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सर्कल करना है, तो सर्कल कर दिया हमने इसको। अनकाउंटेबल को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। वाटर क्या है, गिन सकते हैं? नहीं, अंडरलाइन कर दिया। ऑयल को गिन सकते हैं? नहीं, अंडरलाइन कर दिया। बेंच को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। टेबल गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। फायर नहीं गिन सकते हैं। बेल गिन सकते हैं? और मस्टर्ड नहीं गिन सकते। ब्लड नहीं गिन सकते। कप गिन सकते हैं? तो ये हो गया हमारा। तो ये पिक्चर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये होमवर्क आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। और बाकी अगेन फिर से बोलूँगा मैं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल आइकन होगा उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।